वजन कम करना और मसल बिल्डअप करना, इसके तीन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, आज हम उस पर बात करें। पहला पॉइंट आता है डाइट। मैंने खुद ने पर्सनली बहुत सारी डाइट फॉलो करी है, कीटो डाइट करी, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट करी, इंटरमिटेंट फास्टिंग करी, जिसका रिजल्ट सबसे अच्छा आता है और जिसके साइड इफेक्ट सबसे कम है और जिसके फायदे सबसे ज्यादा हैं, उस डाइट का नाम है इंटरमिटेंट फास्टिंग। दोस्तों आखिर इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है? तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है कि आप मिनिमम 16 घंटे फास्ट करते हैं और जो बाकी के बचे हुए 8 घंटे हैं आप उसमें खाना खाते हैं। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर आप इससे और ज्यादा एक्सटेंसिव जाना चाहते हैं तो आप 16 को 18 घंटे भी कर सकते हैं फास्टिंग पीरियड। अब आखिर इंटरमिटेंट फास्टिंग क्यों बेटर है बाकी सब डाइट पैटर्न से? तो दोस्तों जब 12 घंटे हो जाते हैं आपको फास्टिंग करते हुए तो आपकी बॉडी चली जाती है ऑटोफेजी के मोड में। ऑटोफेजी का मतलब यह है क्योंकि 12 घंटे से बॉडी को कुछ मिला नहीं है खाने के लिए, तो वो अपने ही सेल्स को खाने लगती है एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए। अपने ही कौन कौन से सेल्स को खाएगी? वो बॉडी फैट सेल कंज्यूम करेगी, बॉडी आपके कैंसरस सेल कंज्यूम करेगी, बॉडी आपके डेड सेल्स कंज्यूम करेगी। इससे क्या होता है दोस्तों, 12 घंटे के बाद जब ऑटोफेजी में जाती है बॉडी, तो आपके फैट सेल्स, कैंसरस सेल्स और जो डाइंग या बेकार सेल्स हैं और जो रॉ मटेरियल और डिब्री है बॉडी का, वो बॉडी खुद ही कंज्यूम कर जाती है। इससे पहला फायदा होता है कि आपका वेट बहुत कम रहता है। दूसरा बहुत बड़ा फायदा होता है दोस्तों इससे कि आपको बीमारियां नहीं लगती। जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं उनको हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज और बहुत सारे तरह के कैंसर्स नहीं होते हैं। तीसरा, आपकी एज बढ़ जाती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर आप रेगुलरली कर रहे हैं तो आपकी एज बढ़ जाएगी। बहुत सारी कम्युनिटीज इस अर्थ पर रहती है जो इंटरमिटेंट फास्टिंग और फास्टिंग रेगुलरली यूज करते हैं, वो 100 साल से ऊपर जीते हैं दोस्तों बिना किसी बीमारी के। चौथा, आप यंग दिखते हो, आपको रिंकल्स कम पड़ते हैं, आप ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हो और आप यंग दिखते हो। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत अच्छा तरीका है जिसके बहुत सारे फायदे हैं। आप पतले भी रहोगे, एज भी बढ़ जाएगी और आप यंग भी रहोगे और आपको बीमारियां भी मिलेगी। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग एक तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है जिससे आपका वजन कम रहता है और मसल बिल्डअप अच्छी होती है अगर आप प्रोटीन रिक्वायरमेंट, प्रोटीन कंजम्पशन अच्छा रखते हो। दूसरा, कौन सी एक्सरसाइज करें अगर आप वजन जल्दी कम करना चाहते हैं? सो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट आता है एक्सरसाइजेस के अंदर कि जब भी हम एक्सरसाइज करने चालू करते हैं, चाहे आप जिम में कर रहे हो या आप कार्डियो कर रहे हो या आप रनिंग कर रहे हो, पहले के 40 मिनट आपके बॉडी में जो ग्लाइकोजन स्टोर रहता है वो यूज करती है। तो बॉडी पहले के 40 मिनट्स आपका ग्लाइकोजन स्टोर यूज करती है, उसके बाद आपका फैट बर्निंग चालू होता है। अगर आप देखें तो ग्लाइकोजन एक ऐसा फ्यूल है जो आपको बहुत स्पर्ट ऑफ एनर्जी देता है, बहुत हाई फ्यूल है जैसे कि रॉकेट फ्यूल। और अगर हम फैट की बात करें तो फैट धीरे धीरे बर्न होता है और आपको थोड़ा स्लगिश एनर्जी देता है। तो रिकमेंडेड ये है कि जब आप एक्सरसाइज करें तो पहले के 5 से 10 मिनट आपको वार्म अप करना है अगर आप जिम में जा रहे हैं। वार्म अप के बाद आपको करनी है एक्सरसाइज वेट ट्रेनिंग, क्योंकि पहले के 40 मिनट आपका ग्लाइकोजन बर्न होगा, जिसमें अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और आपकी मसल भी अच्छी बिल्डअप होगी लॉन्ग टर्म में। तो आप 1 day 1 बॉडी पार्ट कर सकते हैं, 1 day 2 बॉडी पार्ट कर सकते हैं, बहुत सारे शेड्यूल अवेलेबल हैं, आप कोई भी चूज कर सकते हैं। तो पहले के 40 to 50 मिनट्स आपको वेट ट्रेनिंग करनी है ताकि आपकी बॉडी ग्लाइकोजन सारा कंज्यूम कर ले। जब इसके बाद आपको करना है कार्डियो, जब आप कार्डियो करते हैं तब आपका फैट बर्निंग चालू होती है क्योंकि ग्लाइकोजन ऑलरेडी डिप्लीट हो चुके होते हैं बॉडी के अंदर। कार्डियो के अंदर अगर आप रैपिड वेट रिडक्शन करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा मेथड रहता है HIIT, हिट मेथड। इसका मतलब है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। इसके अंदर दोस्तों अगर एग्जांपल दूं, अगर आप साइकिलिंग कर रहे हैं तो पहले आप 1 मिनट बहुत फास्ट साइकिलिंग कीजिए, फिर आप 1 मिनट स्लो साइकिलिंग कीजिए, फिर फास्ट कीजिए, फिर स्लो कीजिए। तो इस तरह का जो वेव बनती है इंटरमिटेंट हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग के अंदर, वो आपकी बॉडी को मोनोटोनस मतलब यूज टू नहीं होने देती और फैट बर्निंग सबसे ज़्यादा होती है। अगर आप ट्रेडमिल कर रहे हैं तो आप 1 मिनट तेज भागिए, फिर 1 मिनट स्लो, 1 मिनट तेज, 1 मिनट स्लो। इससे आपका जो मसल ग्रोथ है वो अच्छा होता है और बॉडी एक रूटीन में नहीं आती और लगातार फैट बर्न करती रहती है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है फैट बर्निंग के लिए, वो है एडिक्वेट स्लीप।
इन सब चीजें करने के बाद दोस्तों कम से कम 7 से 8 घंटे की स्लीप आपको चाहिए, साउंड स्लीप चाहिए, ताकि बॉडी अपने आप को रिपेयर कर पाए और आप अगले दिन एनर्जेटिक रहें दोबारा एक्सरसाइज करने के लिए। तो अगर आप ये 3 फॉर्मूले यूज कर रहे हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग, सेकेंड आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और उसी मोड में करें जिसमें मैंने बताया कि पहले आप वर्कआउट करें वार्म अप, उसके बाद आप करें वेट ट्रेनिंग और उसके बाद आप करें कार्डियो HIIT हिट फॉर्मेशन के अंदर, और तीसरा अगर आप एडुकेट स्लीप ले रहे हैं तो आप बिल्कुल फिट रहेंगे, आपकी एज भी ज़्यादा होगी और आप यंग दिखेंगे और आपके 6 पैक्स जल्दी आएंगे।